अस्सलामुअलैकुम। रसोई की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम। क्या हालचाल है आप सब देखने वालों का और मेरी पार्टी फैमिली का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, और सबको तकरीबन पसंद होती है। जैसे कि मुहर्रम का महीना आप सबको पता है कि चल रहा है, तो इसमें तो लाजमी लोग बनाते हैं और मैं अपने घर में ये ज़रूर बनाती हूँ 8 मुहर्रम को। तो आप लोगों को मैं भी आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा बीफ हलीम। अच्छा, मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप इसको चिकन या मटन किसी में भी बना सकें। तो उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। एक बाउल ले लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास है 1 कप के करीब गंदम, ठीक है। कप के हिसाब से ये 1 कप है, और अगर ग्राम देखेंगे आप तो 250 ग्राम है ये। और अगर आपको और आसान कर दूँ तो ये 1 पाव गंदम है, उसमें डालो। ये 1 पाव हमारे पास जौ है, यानी कि 1 कप ग्राम में 250 ग्राम। ये मसूर की दाल 1/2 कप, ठीक है, और पाव में 1/2 पाव, ग्राम में 2.5। लाल मसूर की दाल थी ये। चावल 1/2 कप, मूंग की दाल 1/2 कप, चने की दाल 1/2 कप, माश की दाल 1/2 कप, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ गंदम और जौ हमने 1-1 पाव लिया, यानी कि 1-1 कप लिया है। बाकी सारी चीज़ें 1/2-1/2 कप है। अब मैं इनको अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ, फिर आपको और उसके बाद इसमें पानी को मैं डाल के, अच्छा पानी, और इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, हमने दालों को अच्छी तरीके से खुले पानी से धो लिया, और उसके बाद इसको इस तरीके से खूब सारा पानी डाल के इसको आप रात भर के लिए आप इसको रख दें, ठीक है। जितना ये ओवरनाइट भीगेगी उतनी अच्छी ये फूल के डबल हो जाएगी और नरम पड़ जाएगा। डाल देंगे और ये देखिए, इसमें अच्छा इसमें खुला पानी डालेंगे ये, क्या भाई, दालें अच्छी तरह जो है ना डिप हो जाए। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टेबल स्पून थोड़ा कम अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और कुछ भी नहीं डलेगा, ना नमक वमक कुछ नहीं। और इसके ऊपर एक लकड़ी का वुडन स्पून रख देंगे ताकि ये उबल के ऊपर भी नहीं आएगी और ना हमारा चूल्हा मैसी होगा। ये इसको उतना उबालेंगे जब तक हमारी दाल सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो तकरीबन 1/2-1 घंटा इसको आप ऐसे ही रख दें, ये उबलती रहेगी। जब ये कम्प्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें इसकी कैसी शक्ल आए। दाल को उबलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये गल गई है ये। अब फ्लेम को हम इसको ऑफ कर देंगे और मैं कोरमे की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको कोरमे के मसाले दिखाती हूँ। कोरमा है जो हमारा हलीम का बनेगा, उसके कुछ मसाले हैं। तो ये सबसे पहले ये 1 टीस्पून सौंफ है, ये 2 मैंने स्टार लीफ ली है, यानी कि बादियान के फूल। ये 4 से 5 जो है दालचीनी है। ये 1 टेबल स्पून फुल भर के जीरा है। ये 6 से 7
जो है वो छोटी इलायची है और ये एक टेबल स्पून भर के साबुत धनिया है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 10 से 11 लौंगे हैं। इसके अलावा ये एक जायफल है मेरे पास, तकरीबन 6 से 7 इसके टुकड़े हैं छोटे छोटे। अगर आपके पास साबुत है तो आप 2 से 3 ले लें। और ये मेरे पास उसका ये जवत्री थी सॉरी, और ये जायफल का मेरे पास ये आधा टुकड़ा मैंने ले लिया है, तो गोल होती है उसको आप आधा से टुकड़ा ले लें, ठीक है। और ये बड़ी इलायची है 3, ये काली मिर्च 1 टेबलस्पून है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारे होल मसालों को हम जो है ये पीसेंगे और इसके बाद इसमें क्या मिलाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारे होल मसाले अपने ग्राइंडर में डाल दिए। अब इसमें मैं जो है ये 2 से 3 देखें ये तेज पत्ते हैं, ये डालूंगी मैं इसके अंदर। 2 से 3 तेज पत्ते भी डाल दिए। उसके अलावा देखिए इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब जो है फुल नमक डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के। ये देखिए ये डाल दिया मैंने। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के जिंजर पाउडर यानी कि सोट। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला सारा ग्राइंड होके इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम अपने कोरमे की तैयारी करते हैं। ये देखिए कोरमे के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें ये मैंने 1/2 किलो के करीब बीफ लिया है, ये रूखा है। और इसके अलावा ये जो है ये 1.5 किलो के करीब सॉरी बीफ है हमारा, और ये 1/2 किलो के करीब इसकी जो है वो बोन यानी कि हड्डियाँ ली हैं मैंने। ये इसमें लाजमी डालिएगा, इससे हली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा ये 2 प्याज हैं जिनको मैंने रफली इस तरह चॉप कर लिया है, दरमियानी साइज़ की ली थी। ये कुछ हरी मिर्च आएंगी इसमें और 1 कप के करीब जो है ये दही जाएगा। तो अब हम अपने कोरमे की तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने एक प्रेशर लिया, उसको प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है हमारा, ये देखिए इसमें हम अपनी सारी जो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको रफली चॉप किया था वो डाल देंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन किए। तो अब हम इसमें अपना सारा बीफ डाल देंगे। तकरीबन ये करीब है हम अपनी ये देखें जो हमने मसला यानी कि बोन ली थी आप सब्जी के करीब वो भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून फुल भर के अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट जिसमें ज़्यादा जाता है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम करेंगे ये कि जो हमने अपना मसाला हनीम का आपके सामने ग्राइंड किया था वो सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया हमने। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको मसाले को। मसाला डालने के बाद ये देखेंगे 1 कप के करीब दही है, ये इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए दही के साथ इसको 5 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है हमने गोश्त को। अब ये इसके अंदर ये मेरे पास 5 हरी मिर्चें हैं। आपके पास अगर मोटी वाली हो तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, ये थोड़ी तेज़ होती है तो इसके मैं सिर्फ 5 डाल ली। 5 हरी मिर्चें डाल के और इसी के साथ मिक्स करेंगे। अच्छा मैं प्रेशर में पका रही हूँ तो मैं प्रेशर के हिसाब से पानी डालूँगी।
आप अगर नॉर्मल डेची में बना रही हैं तो आप उसके हिसाब से पानी डालीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और मैं प्रेशर में बना रही हूँ, मैं एक कप के करीब भर के इसमें पानी डालूँगी। ये देखिए मैंने एक कप पानी और डाला है इसमें, और इसको अब मैं प्रेशर बंद करूँगी, इसका वेट लगाऊंगी और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक जो है हम इसे पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि हमें गोश्त को उसके बाद हमें इसकी बोन अलग करनी है और इसका जो मीट है उसको अलग करके श्रेड करना है। तो मैं इसको 30 से हमारा कोरमा बनकर तैयार है हलीम का, और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए बिल्कुल हलवा हो गया गोश्त। अब हम करेंगे ये कि इसकी जो बोन है इनको अलग कर लेंगे, और इसका जो मीट है इसको अलग कर लेंगे, और अलग करके इसको श्रेड कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम अपना हलीम के आगे का प्रोसीजर करेंगे। कोरमा तैयार था, इसमें से हमने इसकी सारी जो मीट था वो अलग कर लिया और हड्डियाँ डिस्कार्ड कर दी, ये देखिए, और इसको इस तरह से श्रेड कर लिया, ये अलग अलग कर लिए हैं बिल्कुल रेशा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने हलीम की तैयारी की तरफ, तो बताते हैं आपको कि किस तरह करना है। ये एक पैन में मैंने पानी को अच्छी तरह से जो है वो गर्म कर लिया, यानी कि अच्छी तरह से मुराद अच्छा गर्म होना चाहिए, ये लाजमी आप करके रखिएगा, क्योंकि हलीम में गर्म पानी जाता है, ठंडा पानी नहीं जाता। अच्छा, ये हमने क्यों किया, मैंने जो गर्म पानी हमने किया था, मैंने ये खुले मुँह का देगची ली है, इसमें मैं ये थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी मामूली, ये देखिए इस तरह, क्योंकि हम अपनी दाल जो हमने बॉईल की थी वो डालेंगे। अगर हम पानी नहीं डालेंगे और डायरेक्ट दाल डाल देंगे तो दाल हमारी लग जाएगी। पतीले में दाल डाल ली है जो बॉईल की थी। अच्छा, बहुत से लोग इसको ब्लेंड कर लेते हैं बिल्कुल और डाल के फिर वो उसमें गोश्त डालते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मैं नहीं करती। दाल में जब तक हलीम में जब तक घोटा नहीं लगता, जब तक हलीम ना तो रेशे वाला बनता है ना ही उसमें मज़ा आता है, तो मैं इसको घोटा लगाऊंगी। और ये देखिए दाल डाल दी। अब दाल डालने के बाद हम करेंगे क्या, ये जो हमने सारा गोश्त जो है वो देखिए श्रेड किया था, ये सब मैं इसमें डाल दूँ, ये सारा इसके अंदर जाएगा। उसके बाद जो हमारा कोरमा हमने अलग किया था, ये देखिए ये कोरमा भी हमने अलग किया था, ये भी इसके अंदर सारा डाल देंगे। बहुत मज़े का हलीम तैयार होगा, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम इसका लगाएंगे घोटा, तकरीबन एक घंटे तक हम इसे मुस्तकिल घोटा लगाएंगे, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो गर्म पानी डालेंगे, जब मैं डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी हम इसका घोटा लगाते हैं, और घोटा लगाने के लिए आप अपने घर के मर्दों की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है, देखें ये अभी इतना गाढ़ा है, तो हम इसमें फिर जो मैंने आपको बताया था कि आपको अलग से पानी गर्म करके रखना है, इसमें गर्म पानी, ये देखिए मैं फिर इसमें अच्छा खासा गर्म पानी डाल रही हूँ और फिर इसकी घोटाई करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद है, अब इसमें मैंने 25 देखे हरी मिर्चें ली, उनको मैंने मोटा मोटा जो है वो कूट लिया है, और ये देखिए मैं इसमें डाल दूँगी। आप कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ अगर चटपटा पसंद किया जाता है तो इसमें मैंने 25 हरी मिर्चें लेके वो इसमें डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं। पानी डल गई, मुस्तकिल घोटता लगाते हुए घोटेंगे, और पानी जो है गर्म पानी वो डालते जाएंगे। इसे मैंने आपको बताया कि जब आपको महसूस हो कि हलीम गाढ़ा हो रहा है तो आप गर्म पानी एक्स्ट्रा साइड पे करके रखिए, उसको डाल डाल के आपको इसको घोटा लगाना। तकरीबन घोटा लगाते हुए 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, और ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा हमारा ये हलीम जो है वो घुट गया है। इस पॉइंट पे आप अपना नमक चेक कर सकती हैं, यहाँ मेरा बिल्कुल सेट है, अगर आपको अपना कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसका भगाड़ तैयार कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ इसके भगाड़ लगाएंगे। ये देखिए 1/2 कप जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है एक पैन में। इसके बाद मेरे पास ये जो है ये मैंने 2 प्याज ली थी, जिसको मैंने ऐसे रफली काट लिया है, इसको डाल इसमें डाल के जो है वो गोल्डन करेंगे, और हम हलीम में भगा रहे हैं। गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये पूरी तकरीबन हो जाए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हम इसमें हलीम में अपनी भगाड़ लगा दें, उसको दम पे रखेंगे। ये देखिए अब हम इसमें भगाड़ लगाएंगे अपना, हलीम डाल के आप जो है इसको निकाल लें। इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर दें आप हलीम के अंदर, ये देखें इसके करके, और इसको कवर करके
5 मिनट के लिए दम पे रखें, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बीफ हलीम बनके तैयार है। इसको मैंने आपको जिस तरीके से सिखाया है सेम वैसे ही अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल रेशेदार हलीम। थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि अगर इसको आप घोटे से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, अब इसके ऊपर जिसके बगैर हलीम अधूरा है, तो देखिए ये थोड़ी सी मैं इसमें अदरक डालूंगी, ये जुगियन कटी हुई है। इन चीज़ों के बगैर हलीम अधूरा है। के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी तली हुई प्याज, ये इस तरीके से ऊपर से आप चाट का मसाला, ये देखिए ऐसे, और लीम। मज़ेदार सा हलीम बनके तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले और बआसानी आप देख सकें, आपके पास जो है वो अपडेट आए। चलती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी तरीके की अच्छी सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।